माली सैनी समाज को नहीं मिला टिकट तो समाज के लोग दबाएंगे नोटा। माली सैनी समाज की आयोजित हुई बैठक, दोनों पार्टी से टिकट की हो रही है मांग। उसी गेट पर माली सैनी समाज की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। समाज का कहना है कि प्रदेश भर में माली सैनी समाज के सदस्यों की संख्या चुनाव परिणाम तय करती है। अजमेर में मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक है। माली सैनी समाज ने समय समय पर अपने अधिकारों को लेकर संगठन का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे में समाज की ये मांग है कि आगामी चुनाव में उनके प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए, अन्यथा मजबूरन समाज के लोगों को नोटा का बटन दबाना पड़ेगा। भाई माली समाज हमेशा वंचित रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अब तक विधानसभा के अंदर माली समाज को कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, और इस बार माली समाज पूरा जागरूक होकर अपने समाज के व्यक्ति के लिए टिकट की पुरजोर मांग कर रहा है। और यदि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है तो 11 तारीख को माली समाज एक आम सभा आयोजित करेगा और उसी में निर्णय लेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। वैसे ज़्यादातर हमारा जोर यह रहेगा, अगर हमें वंचित रखा जाता है माली समाज को, तो हम लोग नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्शाएंगे। क्योंकि माली समाज जो अजमेर के अंदर उत्तर क्षेत्र में आज लगभग 30,000 माली के होते हुए भी हमें उत्तर क्षेत्र से वंचित रखा गया है। दक्षिण में हमारी मांग स्वतः ही निरस्त हो जाती है, क्योंकि दक्षिण के अंदर ऑलरेडी वो SC के लिए रिजर्व सीट रहती है, जो पिछले करीब 30 से 45 वर्षों से वंचित है। और नई इसके अंदर अभी नए सिरे से परिसीमन किया गया है, हम परिसीमन करके उसको भी जनरल सीट के लिए या OBC सीट की मांग करेंगे कि इसको भी OBC सीट करके और हमारे समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधि दिया जाए। कांग्रेस से हमारे लिए, हमारे समाज से श्री महेश जी चौहान, जो कि एक कांग्रेस के लिए सर्वदा अपने कार्य देते रहे हैं और OBC मोर्चा के रूप में अध्यक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका कांग्रेस के अंदर रही है, तो हम चाहते हैं कि समाज के अंदर कांग्रेस के पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो महेश जी चौहान को दिया जाए, तो पूरा समाज महेश जी चौहान के साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेगा। इसी प्रकार BJP से हम श्री धर्मेंद्र जी गहलोत, जो अभी वर्तमान में मेयर पद पर हैं, उनके लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। यदि उनको टिकट दिया जाता है BJP से, तो उनके साथ भी समाज कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा। आपका नाम? राजेश भाटी, अध्यक्ष माली सैनी संस्थान अजमेर। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी आना बहुत ही अधिक आवश्यक और अनिवार्य है, और इसे देखते हुए पूरे राजस्थान में माली सैनी समाज की हुंकार उठी हुई है। इसको देखते हुए अजमेर के माली सैनी समाज ने भी तय किया है, निर्णय किया है कि यहाँ से दोनों पार्टियों में से जो भी हमारे माली समाज के व्यक्ति को टिकट देगा, हमारा पूरा समाज, अजमेर का पूरा समाज हमारे उत्तर क्षेत्र के लिए, उत्तर क्षेत्र से धर्मेंद्र जी गहलोत हैं और महेश जी चौहान हैं, जो अपनी इच्छुकता जाहिर की है कांग्रेस से, इनको किसी को भी या और समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो अजमेर माली सैनी समाज उसका पूरे जोश और ताकत के साथ में तन मन धन से उसके जिताने के लिए कार्य करेगा और उसको जीता के लाएंगे और हम हमारी माली शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। अगर माली सैनी समाज को नहीं मिलता टिकट तो फिर क्या रहेगा आगे के आपके नोटा में? नहीं मिलता तो जो भी जिसके साथ में जो अपनी पार्टी जिसको कोई पसंद करता है उसको देगा। यहाँ पे भी है नोटा अनुसार त्रिलोकचंद इंदौरा नया बड़ा।